तो गाइज फाइनली कोबरा एम बी 40 के 100% कंफर्म रिटर्न डेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ गाइज बिल्कुल 100% कंफर्म डेट, मतलब उसी डेट को ही आपको कोबरा एम बी 40 रिटर्न देखने को मिल जाएगी अपने इंडिया सर्वर में। और गाइज कल आपका प्यारा दुलारा कोबरा बंडल भी रिटर्न आ गया था, जिसके बारे में मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बता दिया था कि भाई 14 सेप्टेम्बर को कोबरा बंडल रिटर्न आ जाएगा। तो सेम गाइज वैसा ही हुआ था। बाकी आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जिन बंदों ने कोबरा बंडल को निकाला उनके कितने डायमंड खर्च हुए हैं, जल्दी बताओ गाइज कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में आपको कोबरा एम बी 40 की तो कन्फर्म रिटर्न डेट बताऊंगा ही, साथ में गाइज आपका जोकर का गोल्डन क्लाउड इनक्यूबेटर है ना, वो भी यार रिटर्न आने वाला है। एंड आपका नेक्स्ट टॉप अप यार इतना ज्यादा धांसू होगा उसके बारे में सुन के देख के आप चौंक जाओगे, ठीक है। तो यार काफी ज्यादा तगड़े तगड़े लीक्स एंड अपडेट निकल के आ रहे हैं, सो उन सबके बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, सो बस यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एंड यार आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज आपको बता देता हूं अपन नेक्स्ट टॉप इवेंट क्या होने वाला है, क्योंकि फिलहाल जो टॉप इवेंट चल रहा है उसमें गाइज आपको एसबीडी के एक स्किन दिया है 100 डायमंड के टॉप अप पे, और 300 डायमंड के टॉप पे एक इमोट दिया जा रहा है कमेंट डांस का, जो कि भाई टॉप इवेंट ये वाला मुझे एकदम घटिया लगा। तो ये जो टॉप अप इवेंट है 16 तारीख तक रहेगा, मतलब 17 तारीख को आपको एकदम न्यू एंड फ्रेश टॉप इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है लेस इज मोर टॉप इवेंट। आप लोग इसका नाम सुनते हैं भाई समझ गए होंगे कि एक ऐसा टॉप इवेंट है यार, इतना तगड़ा टॉप इवेंट है भाई, मतलब जितने कम डायमंड आपके आईडी में होंगे ना 0 से 50 डायमंड तक, तो आपको 160 रुपये में 520 डायमंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है यार ये फ्री फायर वाले इंडिया सर्वर को लालच देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसे आता रहता है यार इंडिया में, लेकिन क्या ही बोलूँ क्योंकि आप सभी को पता है फ्री फायर के दिन कैसे चल रहे हैं भाई, ठीक है। बहुत ही कम टॉप अप हो रहा होगा क्योंकि हैशटैग जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर चल रहा था, तो भाई सीन समझ सकते हो गाइज, ऐसे ऐसे आप टॉप इवेंट लाने पड़ेंगे फ्री फायर वालों को जिससे कि ज़्यादा टॉप अप आए उनका गेम में, ठीक है। तो ये लेस इज मोर टॉप इवेंट आएगा गाइज, जो नेक्स्ट टॉप इवेंट होगा उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आप बताना आप इस लेस इज मोर टॉप इवेंट से डायमंड टॉप अप करोगे या नहीं। अब देखो यार यहाँ पे वो बंदे भी टॉप कर लेते हैं इस टॉप इवेंट को देख के, तो जिन्होंने कभी टॉप अप भी ना किया हो, क्योंकि ये टॉप इवेंट भाई है ही ऐसा 160 रुपये में 520 डायमंड, जहाँ 160 रुपये में मेंबरशिप में 420 मिलते हैं, फर्स्ट टाइम लगाने 520 मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो फायदा है ना भाई, 160 रुपये में 520 डायमंड मिल रहे हैं, तो बहुत बंदे गाइस यहाँ पे टॉप अप करते हैं, मतलब यार जो बंदे टॉप अप नहीं करते ना उन बंदों को भी टॉप अप करना पड़ जाता है इस इवेंट की वजह से, इतना अच्छा टॉप अप इवेंट है गाइस, हर महीने यार आता रहना चाहिए, मतलब महीने में एक बार आता रहना चाहिए ऐसा टॉप अप इवेंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट में आपको आइटम मिल जाते हैं। तो बहुत बंदे होते हैं यार जो कि ऐसे ऐसे डिस्काउंट इवेंट का वेट करते रहते हैं, और मैं तो भाई यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसे ऐसे डिस्काउंट इवेंट से टॉप अप करो अगर करना चाहे तो, वरना गाइस अब तो टॉप अप बहुत ही कम हो चुका है फ्री फायर में, क्योंकि हैशटैग इंडिया से वो चल रहा है। तो समझ सकते हो गाइज आप, ये जो टॉप इवेंट है गाइज आपको 17 तारीख को देखने को मिल सकता है अपने इंडिया सर्वर में। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही गाइज एक वेब इवेंट की तरफ से, इसका नाम है बारगेन सीसो। इस इवेंट का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो, इसमें गाइज आपको मेनली एक मेल का बंडल देखने को मिलेगा जिसके थीम पे बेस्ड ये पूरा का पूरा इवेंट होने वाला है। तो मेल बंडल यार आप लोग देख सकते हो किस टाइप का मेल बंडल है भाई, इसका जो एनिमेशन है वो तो यार मुझे एकदम गजब लगा, लेकिन जो बंडल है भाई ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा मुझे, ठीक है। तो सिंपली एक वेब इवेंट में आने वाला है, और यार मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इस वेब इवेंट में अपने डायमंड वेस्ट मत करना, क्योंकि यार बंडल ज़्यादा अच्छा लगा नहीं मुझे तो, और इसी के लिए यार एक वेब इवेंट दे दिया जहाँ पे आपके कम से कम 1000, 1500, 2000 डायमंड तो भाई खर्च होने वाले हैं, ठीक है। तो फालतू का इवेंट आने वाला है गाइस फ्री फायर वालों की तरफ से। और चले गए जब बात कर लेते हैं अपने गोल्डन क्लाउन इंक्यूबेटर के कंफर्म रिटर्न डेट के बारे में, गाइस देखो मॉडरेटर बता रहे हैं कि यार अपना गोल्डन क्लाउन का इंक्यूबेटर हमें OB36 अपडेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि OB35 अपडेट तो यार अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और यार OB35 अपडेट में भर भर के इवेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कोबरा बंडल रिटर्न आ गया, और जितने भी ईवीगन्स थे ड्रैको एके मेगालोडोन स्कार EVMP EVMTN ये सब रिटर्न आ चुके हैं, और अब फाइनली अपनी कोबरा MP40 भी रिटर्न आने वाली है। तो OB35 अपडेट तो भाई इस टाइम फुल भरा हुआ है, तो OB36 अपडेट में गाइस हमें अपना गोल्डन क्लाउड इंक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिलेगा, और इसके लिए गाइस आपके कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो यार आपको वेट करना ही पड़ेगा, मतलब आज से 2 से 3 हफ्ते अक्टूबर महीने के मिड तक ही गाइस आपको गोल्डन क्राउन का इंक्यूबेटर जो है रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसे आप इजीली जो मन चाहो वहां से कोई भी बंडल निकाल सकते हो। बाकी जैसे कोई और कंफर्म न्यूज अपडेट निकल के आते हैं गोल्डन क्राउन इंक्यूबेटर के रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। और अगर जो भी 36 अपडेट में हमें एक और नया इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा जो कि थॉमसन गन स्किन का होने वाला है, तो उसका लुक निकल के आ चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे, अभी फुल रिव्यू नहीं निकल के आया है, ठीक है। तो फिलहाल लुक लुक ही देख लो, तो इसमें 4 टाइप की स्किन होंगी, 4 कलर की स्किन होंगी थॉमसन की, जिसमें फर्स्ट वाली देख लो यार रेड कलर की है, एंड सेकंड नंबर की पर्पल कलर की है, थर्ड नंबर की ब्लू कलर की है, फोर्थ नंबर की गाइस यहाँ पे येलो कलर की है। तो कुछ इस टाइप की होने वाली थॉमसन की स्किन, अब इनके एनिमेशन इफेक्ट एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं निकल के आए हैं, जैसे निकल के आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो भी 36 अपडेट में गाइस हमें देखने को मिलेगा, और जैसे अपना ये आएगा ना गोल्डन क्राउन का इंक्यूबेटर, तो हो सकता है दोनों इंक्यूबेटर साथ साथ आए, मतलब 1 या 2 दिन का गैप रहे बस, तो वो तो इंक्यूबेटर रिटर्न में आएगा, लेकिन ये एकदम न्यू इंक्यूबेटर होगा OB36 अपडेट का, ठीक है। और गाइस कल जैसे ही कोबरा बंडल रिटर्न आ गया था ना इंडिया सर्वर में,
तो उसके बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लगे, कमेंट्स आने लगे कि भाई अपना बोया बंडल कब रिटर्न आ रहा है। यार समझ रहे हो, मतलब एक बंडल भी ढंग से रिटर्न भी नहीं आया और दूसरे ईवीओ बंडल की डिमांड होने लग गई। यार देखो अपना ईवीओ जो बुया बंडल है वो भी रिटर्न आएगा, कोबरा बंडल तो रिटर्न आ चुका है, लेकिन अभी बुया बंडल भी रिटर्न आएगा। वो कब आएगा? वो आएगा गाइस OB36 अपडेट में, क्योंकि OB36 अपडेट में क्या होगा, जो अपना बुया 3.0 इवेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बुया के इवेंट थे जो पहले आए थे वो तो रिटर्न आएंगे, जैसे अब यहाँ पे बुया की ईवीओ यहाँ पे रिटर्न आ चुकी है, लेकिन जो बुया का बंडल है ईवीओ वो गाइस हमें OB36 अपडेट में ही रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बुया इवेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी पुराने आइटम्स है बुया के वो सब हमें रिटर्न में दिए जाएंगे। तो समझ सकते हो गाइस OB36 अपडेट आने दो, उसके बाद में आपको काफ़ी सारे जो है तगड़े तगड़े आइटम्स एंड इवेंट रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। और गाइस कुछ बंदे यार ट्रॉपिकल पैरेट एमिटेड 7 की रिटर्न डेट पूछ रहे थे, वन पंच मैन एमिटेड 7 की रिटर्न डेट पूछ रहे थे। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, बहुत दिनों से हमारी ट्रॉपिकल पैरेट एमिटेड 7 के ऊपर, वन पंच मैन एमिटेड 7 के ऊपर बात नहीं हुई है। तो जल्दी ही गाइस मैं इनके ऊपर फुल रिसर्च करके वीडियोज लाने वाला हूँ, ट्रॉपिकल पैरेट एमिटेड 7 की रिटर्न डेट के ऊपर और वन पंच मैन एमिटेड 7 की रिटर्न डेट के ऊपर। भाई देखो अभी ट्रॉपिकल पैरेट एमिटेड 7 के रिटर्न आने के तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि भाई बोलते यार आप लोगों ने इतनी ज़्यादा रेयर बना दिया, इतनी ज़्यादा रेयर बना दिया कि यार जो उसका इवेंट आया था ना वो उसमें भी नहीं डाली गई। लेकिन जो वन पंच मैन एमिटेड 7 है वो तो यार कोलेबन का आइटम है, तो वो तो हमें जल्दी ही रिटर्न में देखने को मिलेगी। तो उसके ऊपर डिटेल एक वीडियो आने वाली है जो कि जल्दी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहे गाइस अपने गोल्ड ड्यूल की तरफ से, क्योंकि फिलहाल जो गोल्ड ड्यूल बंडल चल रहा है वो यार 6 या 7 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो समझ सकते हो गाइस 21 या 22 तारीख में अपना नेक्स्ट वो भी अपडेट भी आ जाएगा, तो नेक्स्ट गोल्डन बंडल भी चेंज होने वाला है। तो जो अपना नेक्स्ट गोल्डन बंडल होगा वो यार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अपना नेक्स्ट गोल्डन बंडल होने वाला है। और गाइस कुछ बंदे कह रहे थे कि भाई हमें 50% ऑफ मंथली मेंबरशिप डिस्काउंट मिलने वाला था 5th एनिवर्सरी पे, जो कि हमारे इंडिया सर्वर में तो नहीं मिला, लेकिन बाकी 10 सर्वर में वो 50% मंथली मेंबरशिप डिस्काउंट मिला था। तो अपने इंडिया सर्वर में वो कब मिलने वाला है? गाइस देखो अभी न्यूज निकल के आ रही है, जो अपना दिवाली इवेंट है उसी पे गाइस हमें 50% ऑफ मंथली मेंबरशिप डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिवाली इवेंट आप सभी को पता है इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, लेकिन अपने इंडिपेंडेंस डे से बड़ा कोई इवेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यार इस बार का दिवाली इवेंट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेकार बनाया जाएगा, क्योंकि जब यार इन्होंने इंडिपेंडेंस डे ही नहीं बनाया, मतलब बनाया ही नहीं, तो दिवाली इवेंट क्या बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्री फायर बैन हो चुका है, तो शायद यही रीज़न हो सकता है। और अगर इस दिवाली इवेंट भी ना इस बार का ऐसा ही रहने वाला है, तो हो सकता है कि अपना जो 50% ऑफ मंथली मेंबरशिप डिस्काउंट है वो हमें दिवाली पे देखने को मिले। चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, अब देखा जाए हमें दिवाली पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चले गए बात कर लेते हैं अपनी कोबरा MP40 के 100% कन्फर्म रिटर्न डेट के बारे में। जी हाँ गए, बिल्कुल 100% कन्फर्म रिटर्न डेट आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यार फाइनली कन्फर्म हो चुका है फ्री फायर के मॉडरेटर की तरफ से कि 22 सितंबर को अपने इंडिया सर्वर में कोबरा MP40 रिटर्न आ जाएगी, जिसे आप इजीली 1,100 डायमंड खर्च करके अपने आईडी में निकाल सकते हो। और गए ये बिल्कुल कन्फर्म डेट है, 22 सितंबर को ही अपने इंडिया सर्वर में कोबरा MP40 का फिर भी रिटर्न आ जाएगा। तो भाई इससे अच्छा और क्या चाहिए यार। अब यार देखो यहाँ पे 22 सितंबर को अगर नहीं आता है तो एक डेट आगे पीछे हो सकती है, वो तो यार आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन जैसे मैंने आपको बताई थी कोबरा बंडल की कंफर्म रिटर्न डेट 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को आया ना, लेकिन फ्री फायर वाले भाई फिर भी ऊपर नीचे कर देते हैं, तो मैं तो भाई आपको 22 सितंबर बता रहा हूँ, तो 22 सितंबर को ही अपनी कोबरा MP40 रिटर्न आ जाएगी। तो बस गए आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। सो वीडियो को जैसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड के साथ, चैनल बने हो पहली बार होता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।